नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं, उस तस्वीर की बात करते हैं जिसका इंतजार सभी को है। रामलला गर्भगृह में स्थापित किए जा चुके हैं और रामलला की एक एक कर कई तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। न्यूज 18 भी हर एक तस्वीर को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अब एक और तस्वीर न्यूज 18 के पास आई है, पूर्ण श्रृंगार के रूप में रामलला के दर्शन कर लीजिए। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर तब की है जब मूर्ति को तैयार कर लिया गया था और रामलला के श्रृंगार करके देखा गया। रामलला का श्रृंगार देखिए, कितना अद्भुत श्रृंगार रामलला का किया गया है। कहा जाता है ना, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो रामलला जब प्रकट हुए थे तो माता कौशल्या भी प्रसन्न हो गई थी। श्याम वर्ण है उनका और इस वर्ण की पूरी 5 साल के बाल्यकाल की जो मूर्ति तैयार की गई है उसकी छवि देखते ही बनती है। और जब पूर्ण श्रृंगार होता है, रामलला का पूर्ण श्रृंगार करके देखा गया था, तब की यह तस्वीर है जब उनका श्रृंगार करके देखा गया था। तो देखिए कितना अद्भुत स्वरूप रामलला का नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसकी घड़ी भी टिक टिक करके हर एक राम भक्त के मन को उल्लासित कर रही है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त दूसरी तस्वीर भी जरा आप देखिए, ये रामलला की जो प्रतिमा है, एक तस्वीर हमने आपको, दो तस्वीरें और दिखाई, तो रामलला की प्रतिमा का यह पूर्ण रूपेण श्रृंगार है। और देखिए एक और तस्वीर जरा देखिए, इसमें श्रृंगार नहीं किया गया, जो प्रतिमा मूल रूप की तैयार की गई है उसको जरा देखिए। और पूर्ण रूपेण श्रृंगार जब किया गया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पट्टियां जो बांधी जाती है, विधान जो है हिंदू धर्म का प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें आंख पर, नेत्रों पर जो है कपड़ा बांध दिया जाता है। और पूर्ण तरीके से जब ये प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद ये पट्टियां खोली जाएंगी और उसके बाद अभिराम दर्शन होंगे श्री राम के। चलिए बढ़ते हैं आगे। दमोह में मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बड़ा बयान दिया। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों के आयोजन पर मंत्री ने कहा कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का पूर्वज हिंदू है। उन्होंने कहा कि सभी की पूजा पद्धति अलग जरूर, लेकिन इतिहास उठाकर देखा जाए तो सभी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राम देश की आत्मा है। देश के सभी स्कूलों, यहां तक कि ईसाई मिशनरी समेत अन्य स्कूलों में भी आयोजन होने चाहिए। सौ 50 पीढ़ी आगे जाएंगे तो आपके सबके पूर्वज तो हिंदू ही निकलेंगे। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मध्य प्रदेश से 5 लाख लड्डू भेजे गए हैं। महाकाल मंदिर में तैयार लड्डुओं से भरे रथ को भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना कर दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महाकाल मंदिर के लड्डुओं की मिठास घुलेगी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डुओं से भरे 5 ट्रकों को अयोध्या रवाना किया, जो शनिवार को अयोध्या पहुंचेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और इसमें सबसे ज्यादा खुशी बाबा महाकाल को होगी। साथ ही सीएम ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और एक तरह से आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा।
यह उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी। जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते और निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते। क्या दुर्भाग्य, परमात्मा ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। अयोध्या भेजे गए ये वो लड्डू हैं जो बाबा महाकाल को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इनको बनाने में करीब 1 करोड़ का खर्च आया है। एक लड्डू का वजन करीब 50 ग्राम है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। राम मंदिर का किसी भी कांग्रेसी ने विरोध नहीं किया है। शंकराचार्य जब इस घड़ी को शुभ नहीं बता रहे तो बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों है। छोटे बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा नकारात्मकता फैलाई जा रही है कांग्रेस और विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो, भगवान श्री राम के संदर्भ में विरोध किया हो। सिर्फ शंकराचार्य, जो हमारे देश के 4 महान शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के रक्षक भी हैं और प्रहरी भी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जब तक संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी बने 5 लाख लड्डू का वजन 2.5 क्विंटल है जो 1 करोड़ की लागत से बने हैं और लड्डू से भरे ट्रक 20 जनवरी को अयोध्या पहुँच जाएंगे।